तो गाइस मैं हूँ इस वक्त चंडीगढ़ की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर और ये है छतबीर जू। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जगह की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, टिकट कितने की है, टाइमिंग क्या है इस जगह की और कितना टाइम आपको इस जगह को एक्सप्लोर करने में लगेगा। देख सकते हो सामने है जू की एंट्री और यहाँ पर है टिकट काउंटर। मैं अभी आपको टिकट प्राइजेज वगैरह बताता हूँ। तो देख सकते हो यार टिकट प्राइजेज यहाँ पर अडल्ट के है 100 रुपीज़ और बच्चों के 50 रुपीज़। तो ये टिकट्स हमने ले ली है और प्राइजेज मैं आपको टिकट के ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये देखिए यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपको टिकट मिलेगी यार, तो ट्रेन की तरह बना दिया कुछ। तो गाइस ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल टिकट काउंटर, इसकी टिकट है 60 रुपये पर पर्सन और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का बैंड पहनाया जाएगा और आप ऐसी जो सामने देख सकते हो व्हीकल्स खड़े हैं उनमें से किसी में भी चढ़ सकते हो और कहीं पर भी आप उतर सकते हो। टोटल 13 या 14 आई थिंक स्टॉप्स है और ये भी यार कुछ इन्होंने नया ट्रेन जैसा फैमिली के लिए बनाया है और ये तो आप फैमिली के साथ आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो तो आप इसे भी बुक कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यार रास्ते यहाँ से दो है, ये देखिए आपको इस तरफ से नहीं जाना, जाना है आपको लेफ्ट लेना है आपको पहले, क्योंकि इस तरफ से एग्ज़िट होगा, यहाँ से जब आप आओगे तो यहाँ से एग्ज़िट होगा, ठीक है। तो यार देख सकते हो आप अभी हुए है तकरीबन 11:20 और हमने अभी एंट्री जस्ट की है जू में और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना टाइम यहाँ पे टोटल लगता है घूमने के लिए। और पहला यहाँ पे देख लीजिए ये बंदर यार पता नहीं क्या है। और यहाँ पर भी है एक बंदर, वो देखो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो यार सारे के सारे ये बंदर देख सकते हो एक जैसे, यार पता नहीं चल रहा हमें कौन सा सामी है कौन सा बोनट है। ये मेरे पीछे देखो सामी बंदर और वहाँ पे था बोनट मंकी उधर को पीछे की तरफ, तो यार सारे एक जैसे से लग रहे हैं पता नहीं। और ये देखिए मेरे साथ मोक्ष भी है, इसके चैनल पे भी वीडियो आएगी। इसके चैनल का नाम है इन्फोजोन एक्सट्रीम। तो यार अभी हम वेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो देख सकते हो सामने से आ भी गया है। अब हम इसे यहाँ पे रोक सकते हैं और अगर जगह होगी तो हम इसमें बैठेंगे। हम आ चुके हैं यहाँ पर टाइगर देखने, टाइगर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। देखते हैं यार अंदर हमारा रॉयल बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। वहाँ पर आपने देखा रॉयल बंगाल टाइगर और यहाँ पर है वाइट टाइगर। तो हो सामने पता नहीं आपको दिख भी रहा है क्या, नहीं वो देखिए वाइट टाइगर और साथ में नॉर्मल वाला टाइगर भी है। तो अभी हम बैठे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में और मैं बैठा हूँ भी इसकी पिछली सीट पे। वो देखो वहाँ पे है फेरी स्टेशन नंबर 2 नंबर स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हो पार्क बनाया गया है बच्चों के लिए। तो ये तो आपके साथ कुछ इस तरह के बच्चे आए हुए हैं, तो यहाँ पर झूले वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे है इंडियन एलिफेंट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सामने आप देख सकते हो मेरे 2 एलिफेंट्स। यार एंड तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि अभी आगे मैं आपको डायनासोर पार्क भी दिखाऊंगा जो कि इस छतबीर जू की मेन अट्रैक्शन है और उसके अलावा बर्ड एवियरी को भी हम यहाँ पे विजिट करेंगे। और पिछली बार जब मैं आया था तो यार लॉयन सफारी जो थी वो बंद थी, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा
कि लॉयन सफारी की टिकट मिले और मैं आपको दिखा पाऊँ लॉयन सफारी। इस जगह पर है हमारे ये वाइट बक, सामने आप देख सकते हो वाइट बक को। और यार इस तरफ है हीना लकड़ बग्गा, और यार हर बार यहाँ पे कभी भी यार हीना नहीं होता, हम जितनी बार भी आए हमें कभी भी देखने को नहीं मिला। इस बार हम देखते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। देखिए सामने की तरफ हीना की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर बार की तरह इस बार भी हीना यहाँ पे नहीं है। वहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे लॉयन सफारी, पिछली बार जब हमने यहाँ पे विजिट की थी जूम में तो लॉयन सफारी बंद थी, लेकिन यार इस बार आई थिंक ये ओपन है क्योंकि बसेस वहाँ पर ऑपरेट हो रही है। मैं यहाँ पर लॉयन सफारी की टिकट लूँगा, इसके अंदर डियर सफारी और लॉयन सफारी दोनों ही इंक्लूडेड होगी। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एक कैंटीन, नहीं तो आप चलते चलते थक गए हो, आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखते हो प्राइजेस चीज़ों की, तो लॉयन सफारी की टिकट है 75 रुपी पर पर्सन। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की बसेज में अंदर लेकर जाया जाएगा जहाँ पर आप लॉयन सफारी और डियर सफारी को एंजॉय कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर टिकट लेने लगा हूँ। गाइज ये थी लॉयन सफारी और डियर सफारी 75 पर पर्सन। ठीक है यार, दो हमें लॉयन देखने को मिले और बाकी काफ़ी सारे डियर्स, लेकिन यार उसके अलावा ना ड्राइवर ने क्या बस भगाई। और यहाँ पर है पैंथर लेपर्ड, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ अंदर भी वो देखिए अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो देखिए 3-4 बैठे हैं लेपर्ड, अंदर भी बैठे हैं कुछ। तो इस वाले एरिया में आपको पैंथर लेपर्ड वगैरह देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप लॉयन सफारी से एग्जिट लोगे आपको ये जैगुआर पैंथर और लेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। और वो देखिए यार शेड में आराम से सो रहा है जैगुआर, सारे सो रहे यार, सारे लेपर्ड तेंदुए सो रहे हैं। तो यार छतबीर जू में ना अब लेपर्ड वगैरह भी कम हो गई है, पहले सारे जो केजी आप मेरे पीछे देख रहे हो सभी में कुछ ना कुछ लेपर्ड जैगुआर सभी में होते थे, अब सिर्फ 2 या 3 केजीज में ही जैगुआर और लेपर्ड आपको देखने को मिल रही है, तो बाकी यार थोड़ा कम हो गया यार। और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है उस तरफ। और यहाँ पर है जंगल कैट, यानी कि जंगली बिल्ली जो नॉर्मल, लेकिन यार उसके अंदर कुछ हो रही है, जंगली बिल्ली नहीं है ना ये, कुछ हो रही है, ये जंगली बिल्ली है। हाँ यार काफ़ी बड़ी सी है, तो इतनी बड़ी जंगल कैट काफ़ी बड़ी है। हम आ चुके हैं फेरे स्टेशन नंबर 5 पर, और वो देखिए सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ चुका है, अब भी हम बैठेंगे इसमें और चलेंगे अगले स्टेशन की तरफ। डायनासोर पार्क के बिल्कुल सामने है हिमालयन ब्लैक डियर, वो देखिए यार वो रहा ब्लैक डियर,
यहीं को आ रहा है। क्या बड़ा शहर, ये वाला भी नहीं हमें देखने को मिलता ना काफ़ी। जब पिछली बार मैं आया था तब भी नहीं हमें देखने को मिला था, इस बार यार मिला है। पिछली बार दूर था ये तो। यार हमें ऑलमोस्ट जू में एंटर किए हुए 1 घंटा हो चुका है और अभी हमने ऑलमोस्ट 40% जू कवर कर ली है। लग गया मोक्ष को, लगी है भूख, अब हम यहाँ पे कुछ खाएंगे। तो यार अब हम आ चुके हैं यहाँ डायनासोर पार्क में और ये देखिए यार, ये है हमारा डायनासोर पार्क। और यार ये पेड़ ना चेंज कर दिया, पिछली बार जब मैं आया था तो किसी और तरह का पेड़ था, अब देखो कुछ इस तरह का पेड़ हमें देखने को मिलता है। और ये देखिए ये हमारा वेलकम करता है ये वाला ट्री। तो यार देखो कुछ इस तरह से ये ट्री हमें ग्रीट करता है। चलिए चलते हैं अंदर डायनासोर पार्क में। तो ये देख सकते हैं आप केव में, सामने देखो केव है और यहाँ पर डायनासोर के पंजों के निशान। चलिए चलते हैं डायनासोर की केव के अंदर। अब तो यार लाइट भी नहीं, अंधेरा थोड़ा ज्यादा है। देख सकते हैं केव से निकलते ही हम आ चुके हैं डायनासोर की दुनिया में। ये है डायनासोर पार्क आपके सामने और हमारा पहला डायनासोर कुछ इस तरह का है। तो देख सकते हो यार ये डायनासोर, इसकी ना आवाज़ ख़राब होगी, पिछली बार जब हम आए थे तो ये भी आवाज़ करता होता था। मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन आवाज़ इसकी चलेगी यार, गूंगा हो गया ये डायनासोर। पिछली बार जब हम आए थे ना तो ये अच्छी तरह से इसकी आवाज़ें बोलती थी यार, बड़ा मज़ा आता था तब देखने में इसे। तो यार इस डायनासोर पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए ना आपको कोई भी अलग से टिकट टुकट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायनासोर पार्क को आप जो आपने टिकट परचेज की है उसी प्राइस में ही इंक्लूडेड है ये डायनासोर पार्क। और ये देखिए यार डायनासोर के एग्स में से बच्चे बाहर आ रहे हैं। इसकी आवाज़ चल रही है लेकिन यार आवाज़ पहले के मुकाबले काफ़ी कम है ना। जब हम पहले आए थे जब नया नया डायनासोर पार्क बना था ना तो बहुत तेज़ आवाज़ थी यार, अच्छा लगता था। अच्छा तो अभी भी लगता है लेकिन यार थोड़ी आवाज़ में यहाँ पे कम हो गई है। और ये देखिए दूसरा डायनासोर हमारा, ये उड़ने वाला डायनासोर, इसकी तो आवाज़ ही चलेगी यार। और ये देखिए ये नीचे ये वाला डायनासोर, ये तो कब का ख़राब है, ये इधर उधर होके खींचता था ये कपड़ा सा ना, अभी ख़राब हो गया। खींचता था बहुत पहले जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तब। और वहाँ देखो यार एग है डायनासोर का जिसके अंदर बच्चे या आप भी फोटोज खिंचवा सकते हो। और यहाँ पे ना हमें एक डायनासोर और देखने को मिलता है जो कि हमारे साथ इंटरेक्ट करता है। तो भाई भी ये वाला डायनासोर आ चुका है जो इंटरेक्ट करता है हमारे साथ, ये देखिए। यार ये था डायनासोर जो कि हमसे इंटरेक्ट करता है, बच्चों के लिए सही में यूनिक सी चीज़ है। ये भी हिल रहा है, पहले तो ये चलता नहीं था। आईज भी अपनी कर रहा है, देखो।
और यार ये देखिए, ये वाला डायनासोर काफी बड़ा, अभी तो हिल रहा था यार, अब बंद हो गया हिलना। और इसके अलावा यहाँ पे आप जाओगे तो इस वाली केव के अंदर भी आपको एक बहुत ही बड़ा डायनासोर देखने को मिलेगा। वो देखिए यार सामने, कितना बड़ा खतरनाक डायनासोर है। दांत देखो यार इसके कितने खतरनाक है, ये देखिए। आवाज यार बहुत कम कर दी यार, पिछली बार जब मैं आया था तो काफी आवाज थी, वो अच्छी लगती थी, अब आवाज कम होगी। हाँ आवाज कम होगी। ये देखिए यार, ये था डायनासोर पार्क। कुछ इतने डायनासोर आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 10-12 डायनासोर अंदर थे, और जिनमें से एक डायनासोर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, थोड़ा एंजॉय वगैरह आप वहां पर कर सकते हो। बच्चों के लिए काफी बढ़िया चीज है वो, ठीक है। और इस तरफ से एंट्री है, और यहाँ पे अभी हम एग्जिट करने वाले हैं डायनासोर पार्क में। तो एग्जिट पर आपको यहाँ पर ये देख सकते हो मेरे पीछे, आपको कुछ इस तरह के डायनासोर के झूले वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और यार पहले यहाँ पर ये डायनासोर वाली गेम भी होती थी, वो भी अब बंद है। और देख सकते हो ये झूले हमें देखने को मिलेंगे डायनासोर पार्क में, डायनासोर वाले। अभी यहाँ पे चढ़ियो ना, देख सारा कीचड़ है, वो देख गंदा हो जाएगा यार। अभी बारिश हुई थी ना, तो ना यहाँ पे ना झूले के पास में सारा का सारा यार अभी कीचड़ है, तो फायदा नहीं अभी झूले वगैरह। मोक्ष अभी मत लेना यार, चलते चलते ना हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अच्छा हुआ हमने ना फेरी व्हीकल की टिकट ले ली, वो देखो सामने से व्हीकल आ रहा है। अच्छा हुआ यार उसकी हमने टिकट ले ली। मैं भी यार आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी, ये तो आप छतबीर जू आते हो तो आप फेरी व्हीकल्स की टिकट जरूर से लेना, क्योंकि यार चलते चलते आप सही में यार डेफिनेटली थकोगे। अभी हमने ऑलमोस्ट आधा ही जू कवर किया है और हम थक गए यार। मैं जा रहा हूँ, 18 नंबर व्हीकल है। हाँ स्नेक स्नूक भी हो तो बहुत आगे, अभी अभी टाइम लगेगा और उसको। चलो यार यहाँ पे बैठते हैं, थक गया मोक्ष भी, थक गया यार। वो तो बड़े एरिया में बनी हुई है हर ये जू। आप ना, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपने जू आना ना तो आप डेफिनेटली यार इस फेरी व्हीकल की टिकट जरूर से लेना, नहीं तो यार आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। अभी हमने ऑलमोस्ट आधा कवर किया है जू, और अभी से हम थक गए यार। पिछली बार ना अपने लीड भी इतना थक गए थे, जब डायनासोर की भी बहुत ज्यादा आवाज थी, तब पूरा पैदल एक्सप्लोर किया था यार, ट्रैवल किया था। और यार यहाँ पे भी वो था पहले कैंटीन खाने के लिए, बंद हो गया। तो गाइस आ चुके हैं हम वॉक इन एवियरी में, ये है छतबीर जू की बर्ड एवियरी। यहाँ पे आपको काफी सारे बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यार सामने व्हाइट पीकॉक, उन पंख भी खुले हुए इसने, वाह यार क्या लग रहा है। यहाँ पर आपको इस वाइट पिकअप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे चलते हैं, ये है टेरेस्ट्रियल एवियरी। और यार कुछ इस तरह का आपको बर्ड पार्क में भी देखने को मिला था, ये देखिए कुछ इस तरह की एंट्री, ये यहाँ पे ये चेन वगैरह लगी होती है, हमें यहाँ से कुछ इस तरह से एंट्री करनी है यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त और यार सुंदर बनाई हुई है ये एवियरी। रॉक एंड डक ठीक है। यहाँ पे आपको यार क्या देखने को मिला है, रॉक्स और डक्स। ओहो देखो यार क्या यहाँ पे ब्लैक डक्स पॉन्ड के अंदर, ये देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है भाई। देखिए डक्स यार यहाँ पे एंजॉय कर रही है पानी में,
और वहाँ पे दूसरी डक्स, यार सभी डक्स अलग अलग है। देखो ब्लैक वाले अपने वहाँ पे है, ये वाइट वाले अपने यहाँ पे, ठीक है। और उस तरफ सामने है वुडलैंड, वहाँ पर भी चलते हैं जल्दी से, आपको दिखाते हैं वुडलैंड। वुडलैंड में हमने एंट्री यहाँ पर कर ली है। कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह से यार ये बनाया हुआ है, अंदर ही आपको वुडलैंड, रॉक एंड डक और भी अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यार वो देखिए, ये है आई थिंक सारस क्रेन, ये वो देखो, पिछली बार ना इसने यहाँ पे एग दिया हुआ था तो यहाँ पे बैठा था वो है। वो देखो यार एक यहाँ पे भी बैठी है छत पे बिल्कुल पास में, देखो और एक चोंच खोल के बैठी है पीछे, ये बैठी है। ये ना काफ़ी देर तक ना ऐसे स्टिल ही रहती है, अगर ये पंख भी ऐसे खोल लेते हैं तब भी ये स्टिल ही रहती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे, ये देखिए एकदम स्टिल है, वो देखो ये देखिए स्टिल है एकदम, वो देखो देखो बैठी दिख रही है जैसे योगा कर रही है। हाँ ये देखिए योगा कर रही है। तो यार तकरीबन एक घंटा 45 मिनट हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारा एरिया यार कवर करने को रहता है। तो यहाँ पे आपको कैंटीन मिलेगी, मोक्ष यहाँ पे कुछ लेगा। तो यार हमने यहाँ पे ली है जीरो शुगर पेप्सी और मोक्ष ने नॉर्मल वाली और साथ में ये पॉपकॉर्न। यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर सा गार्डन बना हुआ है और ये तो आप घर से कुछ खाने वगैरह के लिए लेकर आए हो तो आप यहाँ पर बैठ के इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है यार ये। और यहाँ इस जगह मेरे पीछे आपको देखने को मिलेंगे इंडियन रिंग नेक पैरेट और अलेक्जेंडर पैरेट, रिंग्ड पैरेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये है नॉर्मल पैरेट और ये वाले हैं अलेक्जेंडर पैरेट। ये पहाड़ी तोता होता है, ये इनका साइज़ यार बहुत ही बड़ा होता है, इन पहाड़ी तोतों का साइज़ ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चकोर, वो रहा चकोर, वो रहा चकोर, वो देखिए बैठा चकोर। और ये रहा सारस क्रेन जो कि हमने बर्ड एवियरी में भी देखा था, इसको भी यार वहीं पे रख देते बेचारी को, यहाँ पे रखा हुआ है सारस। और यहाँ इस तरफ है हॉग डियर, वो देखिए मेरे सामने हॉग डियर्स। यार इस वाले एरिया में ना जो ये वाला एरिया है सारा जो शैलो लेक के आसपास जो भी एरिया है, इस एरिया में हमें सारे के सारे डियर्स वगैरह ही देखने को मिलेंगे। तो अभी ना हम फेरी अपना बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का इंतज़ार कर रहे हैं, हम इस जगह को स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डियर सफारी को विज़िट कर चुके हैं, तो डियर हमने ऑलरेडी देख ली है। तो वैसे ये जो आपने डियर सफारी और लॉयन सफारी की टिकट नहीं ली हो तो आप शैलो लेक के पास यहाँ पर बहुत सारे डियर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो मतलब देख सकते हो उन्हें, ठीक है। यार आई मेरी फेरी व्हीकल अभी, चलो देखते हैं नहीं तो उसको कॉल करता हूँ मैं। तो यार ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 2.5 घंटे हो चुके हैं आए हुए को और अभी हम पहुँचे हैं फेरी स्टेशन नंबर 10 के पास। अभी भी थोड़ा एरिया यार और बचा है यहाँ पर, वो देख सकते हो आप सामने मेरे आपको वाइट डियर देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर अभी फेरी व्हीकल का इंतज़ार कर रही है और उसमें आई थिंक यार जगह है, इसमें तो जगह नहीं थी, उसमें है जगह। तो यार अभी दो फेरी व्हीकल यहाँ से निकली लेकिन दोनों में यार जगह नहीं थी, सारी की सारी फुल है। पता क्यों? क्योंकि ना यार ये लोग ना लोग डियर सफारी और लॉयन सफारी में ही ना डियर वगैरह देख लेते हैं तो इस एरिए में वो रुकते ही नहीं है, इस एरिए को सारे के सारे लोग ना स्किप कर देते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पर रेप्टाइल हाउस में, यहाँ पर आपको स्नेक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और देख सकते हैं लास्ट टाइम इसको विजिट करने का 4:45 PM तक है, तो उससे पहले आइएगा अभी यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए यार स्नेक, क्या है ये, पाइथन, रॉक पाइथन। देखो ये यहाँ पे इसका मुंह है, देखो बिल्कुल यहाँ पे सोया है, ये दूसरा इसका मुंह है, कितना बड़ा यार।
और ये वाला है, ये भी रॉक पाइथन है। तो ये और भी बड़ा भाई, उधर कितना बड़ा, दो तीन है। एक वो है, देखो कैसे लिपट के सोया आराम से मजे से। देखो अंडे उंडे भी दिए हुए हैं। ये अंडे है वाइट वाइट से। ये क्या है, वाह यार क्या है। और ये देखिए वो खा रहा है आराम से पालक। ये है रेड स्नेक, रेड स्नेक नहीं यार कुछ और है। ये आई थिंक इग्वाना वगैरह है, ये है ना मॉनिटर लिजार्ड या फिर इग्वाना होना यार, पता नहीं मेरे को क्या है। आपको पता हो तो आप मुझे नीचे बताना कहाँ चिक। हाँ ये क्या है, ये देखिए यार चिक्स यहाँ पे। ये इनके खाने के लिए है क्या? ये स्नेक। हाँ यार ये है कोबरा, काला लाल वो देखिए। और ये इनके मेरे को लग रहा है लाइफ फीड है इनकी, खाने के लिए इनके लिए ये फीड दी गई है। चिक्स ये बैठे, ओए ये भी कितने सारे हैं। ये देखो एक मेरा पानी वाला सांप, ये देखिए बिल्कुल पास। अच्छा ये काटती नहीं, काटती है नहीं ये किसी के पास से। ये देखिए हेलो हेलो। देखो ऑरेंज कलर का कितना खतरनाक है, कैसे बैठा है ऐसा लग रहा है वो मोती। हाँ पर है असली। और एक ये भी बैठा है, एक ये भी बैठा है। ये था रेप्टाइल हाउस। ये देखिए ये है नील गाय, वो बच्चा भी है उनका। ये देखिए नील गाय नील गाय नील गाय। अच्छा वो ये तो बंद है, चमगादड़ वाला एरिया जो है वो बंद है यार। एक चीज ना देखनी रह गई है, हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा। तो यार हमने ना हिप्पोपोटामस का भी पता करा यहाँ पे, ये जो फेरी व्हीकल वाले भाई था इनसे, तो ये कह रहे हैं यार हिप्पोपोटामस वाला सेक्शन ना अभी बंद है। तो यार छत्तीसगढ़ जू से हम एग्जिट ले चुके हैं और टाइम हुआ है अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले है। तो छत्तीसगढ़ जू को पूरा अच्छे से घूमने के लिए आपको 3 घंटे तो यार चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस जगह को ये एक्सप्लोर कर पाओगे। और अभी तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की टिकटें वगैरह भी ली थी, जिससे हम थोड़ा जल्दी इस जगह को घूम पाए। और ये तो पैदल हम जाते तो थोड़ा और टाइम लगता, 4 घंटे मान के चलो इतने लग सकते थे। तो इस टाइम देखो यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुकी है, इस टाइम रश हो गया है। तो आपने इस जगह पर ये तो आना है, तो आप ट्राई करना, आप वीकेंड में यहाँ पर मत आना, यहाँ पे बहुत जगह बहुत रश होता है। और वीकडेज में आप यहाँ पर आ सकते हो, और मंडे को ये वाली जगह जो है वो बंद रहती है। वैसे इस जू की टाइमिंग जो है वो है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो यार इस टाइम रश जो है वो थोड़ा हो चुका है। मंडे को आपको इस जगह पर नहीं आना, क्योंकि मंडे को ये छत्तीसगढ़ जू जो है वो बंद रहती है। उसके अलावा 2 रास्तों से आप यहाँ पर आ सकते हो, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है ये जगह, और आप यहाँ पर चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे या फिर चंडीगढ़ पटियाला हाईवे दोनों रास्तों से आ सकते हो। कि आपको आने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटोज़ वगैरह यहाँ पे काफ़ी आते हैं, देख सकते हो ये ऑटो वगैरह आपको, पीछे ऑटो वगैरह आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। और उसके अलावा आप बस में भी आ सकते हो, गवर्नमेंट बस में, जो कि चंडीगढ़ के आपको सेक्टर 17 या 43 सेक्टर से बसेज यहाँ के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। और बाकी अपने व्हीकल में तो आप आ ही सकते हो, और पार्किंग की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग आपको बहुत बढ़िया आपको इस जगह पर मिल जाएगी, काफ़ी खुली और अच्छी पार्किंग मिल जाएगी। और लेकिन यार अवॉइड करना आप सैटरडे संडे को आना, क्योंकि उस दिन यहाँ पर काफ़ी रश होता है। ठीक है आज भी यार थोड़ा था रश, आज ट्यूजडे है तब भी थोड़ा सा रश था।